नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं संजय दुबे। आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी प्रचार और रैली का शंखनाद करने राजनांदगांव पहुँचे। राजनांदगांव जिले में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। ईडी की ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के कारोबारियों के ठिकानों पर दी गई, दबिश के बाद कांग्रेस ने किया हमला। संचार प्रमुख ने कहा महादेव ऐप भाजपा के धन उगाही का साधन है। और जामुल थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री के मामले में अपने ही दोस्त से की थी लाखों की धोखाधड़ी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आज से चुनावी प्रचार और रैली का शंखनाद कर दिया है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजनांदगांव पहुंचे, जहां वे पार्टी के चारों प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हुए। इससे पहले स्टेट स्कूल मैदान में सभा को संबोधित कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? भूपेश बघेल की सरकार में ना ओबीसी, ना आदिवासी, ना महिला, ना कोई किसान खुश नहीं है, सिर्फ गांधी परिवार ही खुश है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव के बीरनपुर हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि भुवनेश्वर साहू की शहादत बेकार नहीं जाएगी, उसके हत्यारों को उसके अंजाम तक जरूर पहुँचाया जाएगा, इसलिए हमने उनके पिता को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। नामांकन की रैली में एक विशाल जनसमूह मेरे सामने है। आपका उत्साह देखकर मैं स्पष्टता से आज भरोसा लेकर जा रहा हूं। मोदी जी को भी शाम को बताऊंगा कि 3 दिसंबर में कमल खिलने वाला है, कमल खिलने वाला। इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भाई अरुण साहू जी, हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री और यहां से हमारे प्रत्याशी राजनांदगांव के डॉक्टर रमन सिंह जी, बहन सरोज पांडे जी, पूर्व सांसद अशोक शर्मा जी, भूपेंद्र सवन्नी जी, श्री मधुसूदन यादव जी, श्री रविंद्र राय पूर्व अध्यक्ष झारखंड के, श्री संतोष अग्रवाल जी, श्री अभिषेक सिंह जी, श्री अवधेश चंदेल जी, श्री प्रदीप गांधी जी, श्री रमेश पटेल जी, और आज मेरे साथ जो हमारे सातों सात प्रत्याशी उपस्थित है, जिनको आपको विधायक बनाकर भेजना है, वो सभी प्रत्याशियों को मैं हृदय से, मेरी ओर से और करोड़ों भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, डॉक्टर रमन सिंह जी ने ठीक से बात रखा है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मगर मैं छत्तीसगढ़ वासियों को चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार रैली हो रहा है, मैं छत्तीसगढ़ वासियों को याद कराने आया हूं। ये छत्तीसगढ़ को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का काम किया। कांग्रेसियों के शासन के अंदर पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य बनकर खड़ा था। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया और जब हमारी सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह इसके मुख्यमंत्री बने, 15 साल में ये बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। छत्तीसगढ़ के अंदर 15
ये राजनांदगांव और चाहे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र हो, दलित भाई जहां रहते हो वो क्षेत्र हो, दुर्ग और भिलाई के कॉस्मोपॉलिटन इलाके हो या जहां मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हो वो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संपूर्ण विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां की छत्तीसगढ़ी को, छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों को 14% ब्याज से मुक्त कराने का काम, जोर से ताली बजाइएगा, हमारी रमन सिंह सरकार ने किया। मित्रों, सबसे पीडीएस की व्यवस्था सबसे अच्छी देश भर में कहीं पर लागू हुई तो मेरे और आपके इस छत्तीसगढ़ में हुई, और रमन सिंह को चावल वाला बाबा कहकर पुकारा गया। ट्राइबल, ओबीसी और दलित को अपने अधिकार देने का काम किया और छत्तीसगढ़ को हमने विकसित राज्य बनाने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। और मैं पूछने आया हूं भैया भूपेश जी, 5 साल में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो, बिचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो, आप विकास का हिसाब नहीं कर सकते हो। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं, आने वाला चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, आने वाला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव है। हर छत्तीसगढ़िया ने एक एक वोट मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने के लिए देना है। छत्तीसगढ़ धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर ने थाने में जमा किए गए अपने लाइसेंसी हथियार को वापस मांगा है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में निर्वाचन अधिसूचित होने के कारण निजी लाइसेंसी हथियार प्रशासन द्वारा स्थानीय थाने में जमा करवा दिए गए हैं। रविवार 15 अक्टूबर को भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता चंद्रशेखर गिरी की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। मृतक की पूर्व में हत्या की कोशिश हो गई थी जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई थी, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ साथ मेरे रायपुर और कुरुत आवास की अज्ञात लोगों के द्वारा रेकी की जा रही है जिसकी सूचना मैंने प्रशासन को दी, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि उनकी निजी लाइसेंसी हथियार स्वयं की सुरक्षा हेतु चुनाव तक वापस दिलाए तथा कुरुत विधानसभा के सभी मतदान केंद्र को अति संवेदनशील घोषित किया जाए। आज मरौ गाँव में भारतीय जनता पार्टी के बूथ पालक श्री चंद्रशेखर गिरी जी की हत्या हुई थी। उसके साथ पहले भी मारपीट की घटना हुई थी जिसकी सूचना कुरुत पुलिस को थी, और मैंने खुद एसपी धमतरी जिला को इसकी सूचना दी थी, लेकिन अपराधियों के खिलाफ और ज्ञात लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका परिणाम यह निकला कि आज उसकी जघन्य हत्या हुई। मेरे कुरुद और रायपुर घर के भी रेकी की गई है जिसकी सूचना मैंने छत्तीसगढ़ के गृह सचिव को, डीजीपी को और धमतरी जिले के एसपी को दी है, लेकिन आज पर्यंत तक मुझे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई कि मेरे इस सूचना पर क्या कार्रवाई की जा रही है। कुरुद में प्रतिबंधित होने के बाद भी रेत के माफिया, नशा के माफिया, जमीन के माफिया पूरी तरह सक्रिय हैं और उसको धमतरी पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। रायपुर के अपराधी आकर बेखौफ मर्डर कर सकते हैं, तो आप ये जान सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, और मेरा यह कहना है कि यदि गंभीरता से जांच की जाए मुख्य आरोपियों के मोबाइल की, तो कांग्रेस के लोगों से क्या क्या कब कब बात की है, किस विधेयक में कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण चाहा है, ये स्पष्ट हो जाएगा। मैंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अपने निजी हथियार की मांग की है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, और मुझे धमतरी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। मेरे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही तो मेरी भी हत्या हो सकती है अपराधियों के द्वारा, इसलिए मेरे निजी हथियार वापस किए जाएं। और यदि अब दोबारा घटना घटती है तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। हम प्रशासन को यह बात बता देना चाहते हैं, और मैं निर्वाचन आयोग को अपने इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि धमतरी के वर्तमान SP, कुरूप के वर्तमान STOP, कुरूप थाना, बकारा थाना एवं धीरेधर बड़े करेली में जो चौकी है उसके प्रभारी जब तक रहेंगे तब तक भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव संपादित नहीं हो सकता। कांग्रेस के साथ और अपराधियों के साथ इनकी मिलीभगत है। इनका काम जुआ सट्टा खेलवाना है, इनका काम अपराधियों को संरक्षण देना है, और ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं फिर से माननीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और भारत सरकार के आयुक्त से, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मांग करता हूँ कि कुरूप क्षेत्र क्रमांक 57 छत्तीसगढ़ में भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए यहाँ के पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से हटाकर नए व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भाजपा। दुर्ग जिले के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप कारोबार से जुड़े मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर के 7 करीबियों के ठिकानों पर सोमवार की सुबह दबिश दी। इसे लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि महादेव ऐप भारतीय जनता पार्टी का धन उगाही का एक साधन है और ED की कार्रवाई एक नौटंकी मात्र है। दुबई के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि है। मोदी सरकार यदि चाहे तो कुछ ही समय में महादेव ऐप के सरगना को भारत ला सकती है, लेकिन भाजपा ही महादेव ऐप के अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर रही है। देखिए, महादेव ऐप को लेकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कार्रवाई की नौटंकी कर रही है। महादेव ऐप यदि देश में चल रहा है तो उसके पीछे मोदी सरकार का संरक्षण है। केंद्र सरकार चाहे तो एक मिनट में इस ऑनलाइन सट्टे को बंद करवा सकती है। केंद्र सरकार चाहे तो प्रत्यार्पण की संधि हमारे साथ दुबई के साथ महादेव ऐप के सरगना को भारत ला सकती है। लगातार उसको संरक्षण दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार जब कार्रवाई करने जाती है तो योगी सरकार छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर कार्रवाई करती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठतम नेता जो राजभवन में बैठे हुए हैं, उनका महादेव ऐप के सरगना के साथ फोटो आता है। तो महादेव ऐप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के धन उगाही का एक साधन है। ईडी की कार्रवाई सिर्फ नौटंकी मात्र। जामुल थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी राहुल परिहार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुरानी कारों की खरीदी बिक्री को लेकर प्रार्थी दीपक मदान से लाखों रुपए की ठगी की थी। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था। लंबे वक्त से फरार धोखाधड़ी के मामले का आरोपी राहुल परिहार को अंततः जामुल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राहुल परिहार पुरानी कारों की खरीदी बिक्री के नाम पर अपने मित्र दीपक मदान से 15 लाख रुपए की ठगी की थी। प्रार्थी दीपक मदान को काफी वक्त बाद अपने साथ हुई ठगी की जानकारी हुई, जिसके बाद प्रार्थी द्वारा जामुल थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में एक आरोपी रवि मिश्रा को पुलिस द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद से राहुल परिहार फरार चल रहा था, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले की जानकारी जामुल थाना प्रभारी केशवराम कोसले ने दी। थाना जामुल में अपराध क्रमांक 219/23 धारा 420 506 34 का दीपक मदान के लिखित आवेदन पर कायम किया गया था, जिसमें से आरोपी राहुल परिहार को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आरोपी द्वारा प्रार्थी को अधिक लाभ कमाने का लालच देकर गाड़ी खरीद बिक्री का व्यवसाय करने के संबंध में पैसा लिया था, परंतु उनके पैसा वापस नहीं कर उनसे धोखाधड़ी किया। गौरतलब है कि प्रार्थी दीपक मदान और आरोपी राहुल परिहार बचपन के दोस्त हैं। आरोपी राहुल परिहार द्वारा दीपक मदान को पुरानी कारों की खरीदी बिक्री को लेकर झांसा देकर रकम एट ली गई थी। बहरहाल पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ।
न्यू स्टार सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा उत्सव समिति समिति का 29वां वर्ष वृंदावन की चली झांकियां, साथ ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। न्यू एस विकास समिति वार्ड 22 प्रगति नगर कुरुत भिलाई। आप सभी माता रानी का दर्शन लाभ लेने अवश्य पहुंचे। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है, शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी, मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवर नेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि है। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल। तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल। बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से क्रोएशिया बेबी सूट, टेबल मैट आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुंचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। ग्रैनीसीन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हां, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। नहीं गारंटी। जी हां, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी, ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने हैं तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3,000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी, 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी, 18 प्लस आयु की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशुल्क सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति
छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर, जी हां, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार एसके अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता, डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हां, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन, कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता, कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच, जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता, बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 777-30-777-11, 777-30-777-22। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता, कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर
नवरात्र शुरू होते ही डोंगरगढ़ माँ बम्लेश्वरी मंदिर सैकड़ों की संख्या में पदयात्री माता के दर्शन के लिए रवाना होते हैं, जिनकी सेवा और जलपान की व्यवस्था कर सेवा समिति अपना कर्तव्य निभा रही है। नवरात्रि शुरू होते ही डोंगरगढ़ जाने वाले भक्तों ने अपनी पदयात्रा शुरू कर दी है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सैकड़ों की संख्या में भक्त दूर दराज से पैदल यात्रा कर डोंगरगढ़ माता बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए दुर्ग होते हुए जा रहे हैं। इन यात्रियों की सेवा के लिए इस वर्ष भी अग्रवाल सेवा मंडल द्वारा पंडाल लगाया गया है। इस दौरान डोंगरगढ़ जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए शिवनाथ नदी पुल के बाद राजनांदगांव रोड में भंडारे का आयोजन भी सभी नवरात्रि पर्व के दौरान किया जा रहा है। यहाँ चिकित्सा सुविधा के अलावा चाय, नाश्ते, भोजन, स्नान एवं रुकने का भी इंतजाम पैदल यात्रियों के लिए किया गया है। इस संबंध में समिति के सदस्यों ने प्रतिक्रिया दी। को इसकी प्रेरणा जो है वो सिटी के अंदर में बाकी लोगों के जो आयोजन रहते थे बहुत पास पास में रहते थे, जहाँ की उतने पास में आवश्यकताएं नहीं थी, उसके बावजूद भी लगाते थे सिर्फ बैनर और वो शो करने के लिए। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि शहर के बाहर जहाँ लंबी दूरी के बाद में इनको पानी की और थोड़े विश्राम की आवश्यकता होती है, तो शायद यहाँ पर इंतजाम करने से, तो हम दोनों तीनों लोगों ने अचानक विचार किया और अचानक से मन बना तो हम लोगों ने यहाँ पे चालू किया। और उसमें फिर हमको और हमारे अंदर अंतरात्मा प्रेरणा देती गई कि भी इसमें हम चिकित्सा व्यवस्था भी शामिल कर ले, उपवास वालों के लिए फलाहार की व्यवस्था भी रहती है, अष्टमी के दिन हम लोग कन्या भोजन भी यहाँ पर पूजन भी करवाते हैं, उसके बाद ही इसकी पूर्णाहुति होती है। और लगातार पिछले सालों से हम देख रहे हैं कि भी दूर दराज के जो रायपुर के भी और आगे से जो आते हैं बिलासपुर वगैरह साइड से भी पदयात्री, वो लोगों के मुताबिक वो लोग डेस्टिनेशन ये फिक्स करके, उनके लिए ये एक फिक्स पॉइंट हो गया है कि यहाँ पर जा करके ही हमें राहत मिलेगी, वो बीच में कहीं पे भी गैप लेना भी नहीं चाहते। और ये उनके उद्गार है, हमारे पास में उनके लिखे हुए मतलब नोट्स भी पड़े हुए हैं और वो लोग भी हमें प्रेरित करते हैं, कुछ सुझाव भी देते हैं जिन्हें भी हम पूरी तरह से लागू करने का पूरा प्रयास करते हैं। पर्व में जाने वाली जो पदयात्री हैं उनके लिए अग्रवाल सेवा मंडल द्वारा जो है रहने की, भोजन की, मेडिकल की और जलपान की पूरी व्यवस्था रखी गई है। और जो भी पदयात्री यहाँ से जाते हैं उनको हम सेवा देके बड़ी संतुष्टि महसूस करते हैं कि अगर के हम उनके कोई काम आए तो हमें और हमारे परिवार को बहुत संतुष्टि मिलती है। इस साल जो है कल प्रथम दिन था, आज दूसरा दिन है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस साल पदयात्रियों की संख्या जो है पूर्व की अपेक्षा डबल हो गई है। बहुत ही रैला लगा हुआ है, परसों रात अमावस्या के दिन से ही पदयात्री आना चालू हो गए थे और आज वो निरंतर बना हुआ है। हमारे पंडाल में करीब करीब अभी तक के 1500 से 2000 पदयात्री जो है यहाँ लाभ लेके पंडाल में अपनी सेवा लेके यहाँ से डोंगरगढ़ के लिए रवाना होता है। पर्व चल रहा है साहब, 9 दिन नवरात्रि का पर्व है और दूर दूर से लोग आते हैं इस पर्व में और नंगे पैर चले आ रहे हैं माई के दरबार बम्लेश्वरी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उनकी सेवा के लिए तो लायंस क्लब दुर्ग मिडटाउन हमेशा से करते आया है सेवा। लायंस क्लब हमेशा सेवा भाई संस्था है और सेवा ही करना उनका धर्म है, कर्म है। और ये पदयात्रियों की सेवा करके एक आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। शुरू से जुड़े हुए हैं और इनके सेवा भाई कार्य को देखते हुए हम लोगों ने भी इसमें सहयोग दिया। इसमें हमारा खंडेलवाल महिला मंडल की जो अध्यक्षता है रश्मि खंडेलवाल, उनको ये विचार आया कि हमें भी यहाँ पर आकर के सहयोग देना चाहिए। उनके द्वारा और हमारे द्वारा सबके द्वारा यहाँ पे सहयोग दिया जा रहा है। ग्रेनिसियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। माइलस्टोन एकेडमी में छात्राओं को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक कराने कार्यशाला का आयोजन 16 अक्टूबर को किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शाला की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला थी। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं की मना स्थिति को समझना एवं समझाना था, छात्राओं का उन्हीं से परिचय करवाना था, उन्हें मैं का अर्थ समझ लेना था। इस उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाते हुए अपनी बात को डायरेक्टर मैम ने बड़ी सहजता एवं सरलता से सभी छात्राओं के मन में उतारा। इस कार्यक्रम में कक्षा 6वीं से 10वीं तक की छात्राओं ने भाग लिया। निगम क्षेत्र के भवनों का संपत्ति कर यूजर चार्ज जलकर राजस्व वसूली एजेंसी श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। एजेंसी के प्रतिनिधि वार्डों में जाकर निर्मित तलों की जांच कर रहे हैं ताकि भवन मालिक द्वारा प्रस्तुत स्वविवरणी के साथ मिलान कर वास्तविक संपत्ति कर की गणना की जा सके। नगर निगम द्वारा आवासीय व्यावसायिक एवं अन्य भवनों से राजस्व वसूली के लिए एजेंसी को अधिकृत किया गया है। एजेंसी के कर्मचारी घरों में जाकर पूर्व से निर्मित भवनों के तलों की विवरणी बताए क्षेत्रफल की जांच कर रहे हैं।
एजेंसी द्वारा की गई जांच में भवन मालिकों के द्वारा प्रस्तुत संपत्ति के स्वविवरणी भिन्नता आ रही है। भिलाई निगम क्षेत्र के सभी भवनों की जांच की जानी है, जिसकी शुरुआत जोन एक से की जा चुकी है। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। नगर पालिक निगम भिलाई ने राजस्व वसूली हेतु श्री पब्लिकेशन स्टेशनरी एक एजेंसी को राजस्व वसूली का ठेका दिया हुआ है और वो एजेंसी जो है नगर निगम क्षेत्र में घूम घूम के स्वविवरण की जांच कर रहा है। मतलब भूतल का निर्माण करके स्वविवरणी जिन्होंने भरा था, बाद में फिर प्रथम तल द्वितीय तल का निर्माण किया और उसका विवरण स्वविवरणी में नहीं दिया है, ऐसे प्रकरणों की जांच करके वो फिर से पुनर्गणना करके संपत्ति कर की वसूली के लिए उनको बताया जा रहा है। नगर निगम भिलाई ने दिसंबर तक 2% छूट का प्रावधान किया हुआ है। आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई श्री रोहित व्यास जी ने सभी नागरिकों से अपील किया है कि नगर निगम क्षेत्र के सभी भवन मालिक दिसंबर तक अपना संपत्ति कर राशि का जमा करके 2% छूट का लाभ अवश्य उठाएं। नगर निगम प्रशासन ने क्षेत्र के भवन मालिकों से अपील की है कि भवन की स्वविवरणी भरते समय मकान में बने तलों की संख्या, निर्मित कुल क्षेत्र तथा रिक्त क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी देकर अंतर की स्थिति में लगने वाले 5 गुना शास्त्रीय राशि के देय से बचा जा सकता है। निगम में संपत्ति कर राशि का भुगतान दिसंबर तक करने पर 2% छूट का प्रावधान किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। रुपेला के आकाश गंगा व्यावसायिक परिसर की दुर्गोत्सव समिति द्वारा विगत 22 वर्षों से नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। इस दौरान प्रतिवर्ष शानदार पंडाल का निर्माण किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष यहां कुशल कारीगरों द्वारा अयोध्या के राम मंदिर के प्रतिरूप में भव्य पंडाल का निर्माण आकाश गंगा दुर्गोत्सव समिति द्वारा कराया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ प्रतिदिन पूजा अर्चना के पश्चात महाभंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। मेरा नाम पीयूष पारक, संचालक ज्वेलर्स पारक ब्रदर्स एंड कंपनी। आकाश गंगा दुर्गोत्सव समिति पिछले 20 वर्षों से भव्य आयोजन कर रही है और दुर्गा माता रानी जी की कृपा से हर साल ये आयोजन 2 गुना और 4 गुना बढ़ते जा रहा है। इस साल हम लोग ने विशेष प्रतिदिन 9 दिन भंडारा रखा है यहाँ। तो मेरा विनम्र निवेदन है पूरे श्रद्धालुओं से कि माता रानी का दर्शन करके भव्य राम मंदिर पंडाल देखने के पश्चात भंडारा अवश्य ग्रहण करके जाएं। ये ऐसा था कि जैसे मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं इस राम मंदिर का जनवरी महीने में, तो हमारा समिति के सदस्यों का निवेदन था कि क्यों ना अपन इसके पहले यहाँ दुर्ग भिलाई के शहरवासियों को एक सौगात दे दे कि उनको राम मंदिर देखने का अवसर प्रदान हो जाए। बस शहरवासियों से ये अपील है, यहाँ आए, आकाशगंगा हमारा मान बढ़ाएं। आकाशगंगा पूरा समस्त सराफा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल, हर सेक्टर से हमारा निवेदन है कि वो अपना सहयोग भी दें, यहाँ समय दें और पधारें। यहाँ भंडारे का जो हम लोग ने आयोजन रखा है बहुत ही भव्य रूप लेगा ये भंडारा पूरे 9 दिन। हम व्यापारी आपकी सेवा में और इतना भव्य पंडाल आपके लिए बनाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो आप ऑनलाइन और ये सब जो परचेस कर रहे हैं उससे अच्छा लोकल फॉर वोकल जो मोदी जी का शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है उसमें वर्क करें। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदापुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से
गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश, स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के तत्वाधान में सेक्टर 7 ग्राउंड में दुर्गोत्सव पर्व हर्ष से मनाया जा रहा है। माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापना यहां की गई है। प्रतिदिन विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। प्रथम दिवस पर माता की स्थापना के साथ विशेष आरती में युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष चन्ना केशलू सब परिवार शामिल होकर आरती किए। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के तत्वावधान में सेक्टर 7 ग्राउंड में दुर्गोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माता दुर्गा की विशाल प्रतिमा की स्थापना यहां पर की गई है। यहां प्रतिदिन विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। प्रथम दिवस पर माता रानी की स्थापना के साथ विशेष आरती में युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष चन्ना केशवलू सब परिवार शामिल हुए। Yeah.
आरती के पश्चात प्रसादी वितरण का कार्यक्रम किया गया। वहीं मंडल के अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने शहरवासियों को नवरात्र पर्व की बधाई दी, साथ ही विभिन्न आयोजन जो आगामी दिनों में यहाँ पर कराए जाएंगे उसके विस्तार से चर्चा की। युवा खेल सांस्कृतिक मंडल द्वारा विगत 27 वर्षों से दशहरा पर्व भव्य मनाता जाता रहा है इस मैदान में। इस वर्ष हमने गणेश पूजा एवं दुर्गा पूजा का भी आयोजन प्रथम वर्ष रखा है। यहाँ पे बजरंग बली की बाल्यकाल से लेकर समस्त संपूर्ण चली झांकियों का प्रदर्शन हम करवा रहे हैं, जो लोगों के लिए एक आनंद देखने के लिए एक आनंददायक रहेगा। हम माता से कामना करते हैं कि भिलाई दुर्ग की जनता स्वस्थ और समृद्ध और सुखी रहे, यही कामना करता हूँ। बताना चाहेंगे कि युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल बीते 27 वर्षों से दशहरा पर्व बहुत ही भव्यता से मनाता रहा है। इस वर्ष मंडल द्वारा गणेश उत्सव पर्व भी मनाया गया था। वहीं इस वर्ष प्रथम वर्ष पर दुर्गोत्सव पर माता रानी की स्थापना के साथ पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ चलित झांकी जो बजरंग बली की बाल्यकाल को लेकर तैयार की गई है वो भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रोजाना यहां श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने जहां पहुंच रहे हैं वहीं चलित झांकियों का आनंद लेते भी नजर आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। सतरूपा शीतला मंदिर में 1501 आस्था के ज्योत हुए प्रज्वलित। वहीं इस मंदिर की आस्था को देखते हुए देश विदेश के लोगों ने भी अपने नाम की ज्योत जलवाई। नवरात्र पर्व के अवसर पर दुर्ग के मां शत्रुपा शीतला मंदिर में ज्योति कलश द्वारा प्रज्वलित किया गया। वहीं इस बार लोगों की इस मंदिर के प्रति आस्था देखते ही बन रही है। यहां 1501 ज्योति प्रज्वलित किए गए हैं। इसके साथ ही शत्रुपा शीतला सेवा समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने मंदिर की आस्था और दिन प्रतिदिन लोगों का रुझान बढ़ने की बात बताते हुए इस मंदिर को भव्य रूप से नवरात्र में सजा धजा कर पूरे 9 दिन विभिन्न आयोजन और महाभंडारे का वितरण किए जाने की बातें कही। साथ ही कहा कि महाअष्टमी हवन पूजन व कन्या भोज के साथ ही नवमी एवं विसर्जन के दिन भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इस संबंध में मंदिर में जले ज्योत पर बैगा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 1501 ज्योति प्रज्वलित हो गई है और श्रद्धालुओं की इतनी अधिक डिमांड थी कि अगर हमारे पास व्यवस्था रहती और हम 500 ज्योत और जला सकते तो उतने मेंबर कल हम लोगों ने हाथ जोड़ के वापस किए। हालांकि लोगों की काफ़ी असंतुष्टि रही कि भाई आप ज्योत बढ़ाओ मगर हमको मौका तो दो ज्योत जलाने का। तो ज्योत हर साल बढ़ते जा रही है। आज से 5-6 साल पहले जो 400-500 ज्योत जलती थी अभी 1500 में पहुँच गई है और अभी हमारे पास जो जगह है उसमें हम लोग उस हाल में आने वाले पर्व में करीब 200 ज्योत बढ़ाने की सोच रहे हैं। दुर्ग शहर में इकलौता ये माता का मंदिर और ज्योत कलश का कक्ष है जहाँ पे परिक्रमा होती है और परिक्रमा में पूरे ज्योत के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे श्रद्धालु बहुत श्रद्धा से सवेरे आके परिक्रमा करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ज्योत की विशेषता तो अब ज्योत जलाने वाले ही महसूस कर सकते हैं मगर इसकी मान्यता इतनी बढ़ते जा रही है कि पहले पूरे भारतवर्ष के हर स्टेट से ज्योत जलाने आते थे, अब उनके रिश्तेदार जो विदेशों में बसे हुए हैं वहाँ से भी ज्योत जलाने के लिए उनका आवेदन आता है और इस साल करीब 20 विदेशों के जो रिलेटेड हैं उनकी ज्योत यहाँ जलाई गई है। वहीं मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने इस बार के कार्यक्रम को और ज्योति विसर्जन को लेकर जानकारी दी। माँ शत्रुपा के इस पवित्र प्रांगण में इस वर्ष जो हिंदू धर्म का आस्था दिख रहा है वो बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है और पिछले वर्ष की भांति इस समय हमारे मंदिर में पूर्व में 1399 ज्योत था और इस वर्ष 1501 ज्योत प्रज्वलित किया गया है और 1501 ज्योत के पश्चात हम लोगों ने करीब करीब 400-500 श्रद्धालुओं जनों से हाथ पांव जोड़ के समिति ने खेद व्यक्त किया है और उन्हें अन्य मंदिरों में भेजा है क्योंकि हमारे पास उतनी जगह उपलब्ध नहीं थी। ये जो नवरात्र है माँ शत्रुपा शीतला सेवा समिति के तमाम सदस्य यहाँ पे पूरी श्रद्धालुओं के लिए जितनी अच्छी और सुंदर व्यवस्था बन सकती है उसको बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और
इस नवरात्र में तृतीया के दिन भजन संध्या का कार्यक्रम है। अंकुर तिवारी जी जो भजन संध्या के सम्राट है उनका कार्यक्रम है। पंचमी के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम है, षष्ठमी के दिन कार्यक्रम है, सप्तमी के दिन कार्यक्रम है और अष्टमी के दिन हवन भंडारा कन्या भोज जो इस प्रसिद्ध कार्यक्रम है, इस मंदिर का माता का प्रांगण का कन्या भोज का जो विशेष आयोजन होता है। उसके पश्चात नवमी के दिन बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित होते हैं और नवमी के दिन जो शोभा यात्रा निकलती है, जब माता निकलती है तो वो देखने के लिए जो पूरा जन सैलाब जरूका यहाँ पे उमड़ता है और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि माता साक्षात चल रही है। ये इस मंदिर की विशेषता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र पर बीते 7 वर्षों से हर हर गंगे व जन सेवा समिति के तत्वाधान में दुर्गोत्सव पर मां दुर्गा की स्थापना सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू सड़क 33A में की गई है। रोजाना यहां विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की जा रही है। गौरतलब है कि हर हर गंगे व जन सेवा समिति के तत्वाधान में इस वर्ष विशाल प्रतिमा सड़क 33A सेंट्रल एवेन्यू सेक्टर 10 में विराजित की गई है। साथ ही ज्योत व जवारे की स्थापना भी यहां पर की गई है और इतना ही नहीं भव्य झांकी भूत बंगला यहां पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रोजाना शाम बाद आरती में श्रद्धालु यहां माता का दर्शन कर आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, वहीं चली झांकियों का भी आनंद उठाते देखे जा रहे हैं। हमारी समिति का नाम है हर गंगे दुर्गोत्सव एवं जन सेवा समिति सेंट्रल लिनू सड़क नंबर 33A/10। मैं सामदेव साहू समिति का संरक्षक। ये हमारी जगजननी माता दुर्गा की पूजा लगभग ये हमारा 7वां वर्ष है और हम ये पूजा बहुत भव्य और हर्षोल्लास से कर रहे हैं। क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं जो जवारे के साथ? जो जवारे के साथ हम लोग लगभग हमारा 20 जोत है और 250 जवारे हैं। माता से कामना करते हैं कि जो भी परेशानियां हैं सबको सुख शांति और परेशानी को दूर करे। माता से हम यही प्रार्थना करते हैं। 9 दिनों में तो ये है कि माता की 9 रूपों की पूजा हर दिन की जाएगी। कन्या भोज भी रहेगा, भोग भंडारा भी रहेगा, जवारा भी सजन रहेगा, जिसमें हम लोग यहाँ से लगभग एक ही प्रकार की साड़ी लेके सब महिलाओं को देते हैं। उनके द्वारा जवारा उठाया जाता है और विसर्जन करके भगवान तालाब में ले जाता है। आकर्षक झांकी भूत बंगला देखने भी यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आइए देखते हैं झांकियों के खास अंश। प्रतिदिन यहां माता का दर्शन का लाभ लेने श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।
स्मृति नगर में सार्वजनिक नव दुर्गा उत्सव एवं विजयदशमी समिति के तत्वाधान में रविवार को शतचंडी यज्ञ के साथ नवरात्रि का आरंभ किया गया। समिति द्वारा नवरात्र के पंचमी से रास गरबे का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके लिए प्रतिदिन प्रशिक्षकों द्वारा क्षेत्र की महिलाओं को गरबे का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। माता के नवरात्र आते ही उनके भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिलता है, और जहां एक तरफ भक्तों द्वारा बड़े आकर्षक पंडाल बनाए जाते हैं, तो कहीं गुजरात के पारंपरिक नृत्य गरबा का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही स्मृति नगर में सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव एवं विजयादशमी समिति के द्वारा विगत 18 वर्षों से नवरात्रि के आयोजन के साथ रास गरबे का आयोजन भी किया जाता है। इस वर्ष रविवार को माँ शतचंडी यज्ञ के साथ नवरात्रि उत्सव का आरंभ किया गया एवं पूरे विधि विधान के साथ माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजित की गई। समिति के संरक्षक राजीव चौबे ने बताया कि प्रतिवर्ष क्षेत्र की महिलाओं के लिए गरबे का प्रशिक्षण कराया जाता है, जिससे महिलाएं इस पावन अवसर पर अपना मनोरंजन कर सकें। इस वर्ष भी नवरात्र की चतुर्थी तिथि तक गरबे का प्रशिक्षण कराया जा रहा है, और पंचमी तिथि से यह आयोजन क्षेत्रवासियों एवं शहरवासियों के लिए आरंभ हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 1, 2, 3 वेरी गुड। यहीं से अब कंटिन्यूस लेना, दो बार कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 1, 2, 3 वेरी गुड। 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 1, 2, 3 अगेन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 1, 2, 3 स्टॉप, फिर से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 1, 2, 3 अगेन। यहाँ स्मृति नगर में जो नवदुर्गा जो है वो 2006 से हमने स्थापना प्रारंभ की थी, तो 2006 से लेकर अब ये 18वां वर्ष है हमारा, और 2006 से ही यहाँ पर डांडिया भी प्रारंभ हुआ था। तो स्मृति नगर का डांडिया पूरे भिलाई में अपनी एक अलग पहचान रखता है, बहुत ही पारिवारिक वातावरण में। ये व्यावसायिक तरीके का नहीं होता यहाँ पर, जो भक्ति में वातावरण में पूर्णतः बिल्कुल पारिवारिक वातावरण में होता है। महिलाएं बच्चे जो हैं, बच्चियाँ ही वही ज़्यादातर रहती हैं, पुरुषों की सहभागिता थोड़ी सी नगण्य है, और बहुत बढ़िया वातावरण स्मृति नगर में डांडिया के अवसर पर होता है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, शुरू के चार दिन जो है वो हमारी संस्था शुरू से, हमारी जो समिति है, शुरू के चार दिन स्मृति नगर के स्थानीय लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है। तो बूगी वूगी होता है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, और भी सारे कार्यक्रम बच्चों के होते हैं, संगीत का कार्यक्रम होता है। तो चार दिन इनके लिए रखा जाता है, और पंचमी से हमारा डांडिया चालू होता है, 5 दिन का डांडिया होता है। तो चूँकि डांडिया पंचमी से चालू होना है, प्रशिक्षण हमने 10 दिन पूर्व प्रारंभ किया था, कल प्रशिक्षण का अंतिम दिन था, लेकिन बच्चों की इच्छा थी, चूँकि 1 घंटे का प्रशिक्षण 6 से 7 होता है, शेष जो मंची कार्यक्रम है वो 7 बजे के बाद प्रारंभ होता है, इसलिए इसको प्रशिक्षण को और आगे बढ़ा दिया जाए। तो अब चतुर्थी तक हमारा प्रशिक्षण होगा, पंचमी से डांडिया प्रारंभ हो जाएगा। भिलाई की जनता से ये अपील करूँगा, इस नवरात्रि के अवसर पर जो भी कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं पंडालों में, वो हमारी धार्मिक आस्था और परंपराओं को नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए करें, किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति ना हो, और आडंबर के चक्कर में आस्था जो है कहीं आहत ना हो। माता की स्तुति में देखिए, हमारे यहाँ इस डांडिया के अलावा शतचंडी यज्ञ भी हो रहा है, ये दूसरा वर्ष है, पिछले वर्ष हमने शतचंडी यज्ञ प्रारंभ किया। तो शतचंडी यज्ञ के साथ साथ, क्योंकि 9 दिन जो नवरात्रि के होते हैं वो माता की साधना के हैं, माता की स्तुति की, उनके साधना के, नवरात्रि हमारे लिए साधना है। ये पर्व जो है उत्सव टाइप का इसको मनाया जा रहा है, उत्सव तो जरूर हो, लेकिन वो जो साधना है उसको ना भूला जाए। प्रतिवर्ष समिति के संरक्षक राजीव चौबे द्वारा क्षेत्रवासियों के लिए हर उम्र हर वर्ग के मद्देनजर माता रानी की 9 दिनों तक आराधना के साथ साथ अन्य आयोजन भी कराए जाते हैं, और दिन प्रतिदिन इस आयोजन की भव्यता बढ़ती जा रही है, और श्रद्धालुओं का आना भी लगातार बना रहता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए भिलाई निगम द्वारा शुरू किया गया नवरात्र में नौ संकल्प अभियान के प्रथम दिवस शक्ति स्वरूपा महिलाएं मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल हुई। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके युवा महिला मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करने हेतु प्रेरित करने का संकल्प लिया गया। निगम क्षेत्र के अधिकारियों को आगामी चुनाव में भय व लोभ से मुक्त होकर निष्पक्ष मतदान करने नवरात्रि के प्रथम दिन संकल्प दिलाया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर महिलाओं को अधिकाधिक मतदान करने की अपील की, साथ ही अपने परिवार और रिश्तेदारों को मतदान को अपना नैतिक कर्तव्य बताते हुए मतदान करने जागरूक करने का संकल्प दिलाया गया। NULM के सहायक परियोजना अधिकारी सैयद शाहबाज रिजवी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को होने वाले मतदान में 100% मतदान के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय तथा आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर रविवार को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की महिलाओं ने निगम क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर जाकर महिलाओं को अनिवार्य रूप से मतदान के लिए जागरूक किया। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज मातृशक्ति दिवस के अवसर पर हम सब लोग मिलकर शपथ लेते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी प्रलोभन के बिना किसी डर दबाव के अपनी इच्छा से मतदान करेंगे और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करेंगे। मतदान करना प्रत्येक व्यस्त नागरिक का कर्तव्य है जिसका हम सब लोग परिपालन करेंगे। इस योजना के तहत शासन के दिशा निर्देशानुसार हम लोग मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि मतदाता चुनाव के समय वोट देने कम संख्या में जाते हैं, जिससे चुनाव का जो प्रतिशत होता है वोट कास्ट का जो प्रतिशत होता है वो ग्रेजुअली कम होता है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि पब्लिक को में जागरूकता नहीं होने के कारण वोट कास्ट की प्रतिशत कम रही है। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार हम लोग प्रत्येक वार्ड में जो हमारी महिला समूह है उसके माध्यम से मतदाता प्रमाण पत्र को हाथ में लेकर के उनसे संकल्प दिलवाया जा रहा है कि अधिक से अधिक वोट कास्ट करें ताकि हमारे ज़िले का वोट प्रतिशत बढ़े। इस दौरान महिलाएं अपने मतदाता परिचय पत्र को हाथ में लेकर हर एक वोट की भूमिका और महत्व को समझाते हुए मतदान में हिस्सा लेने का संकल्प लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।